हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो दोस्तों आज की वीडियो ऑन डिमांड है और इस प्लॉट का साइज है 32x55 फिट। अगर स्क्वायर फिट में बात करें तो आपका 1760 स्क्वायर फिट का ये प्लॉट एरिया है। और दोस्तों अगर इस हम हाउस की फेसिंग की बात करें तो ये वेस्ट फेसिंग हमने इसको वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया है। इसी तरह की अगर आपको अलग अलग वीडियोस देखनी है, अलग अलग आपको प्लॉट साइजेस की वीडियोस देखनी है तो वो हमारे चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं। और दोस्तों जो ये वाली वीडियो है इसकी अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी और जो इसके डाउनलोड लिंक्स हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या तो आइए दोस्तों हाउस के फ्रंट एलिवेशन से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर हाउस का फ्रंट एलिवेशन जो है ये आपको मॉडर्न लुक में देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आपको हाउस के फ्रंट में ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है जो कि आपका 7 फुट वाइड रहेगा। और इसी के साथ आपको यहाँ पर हाउस का पार्किंग एरिया देखने को मिल जाता है और इसका साइज आपका 14x18x9 का रहेगा। तो इसके बाद दोस्तों ये है हमारे हाउस का ड्राइंग रूम एरिया जिसका साइज आपका 15x9x11 फिट का है। अप्रोक्स आप इसको 16x11 फिट का मान सकते हैं और बाकी आप इसका ओवरऑल व्यू आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमारी अलग से एक एंट्रेंस होती है तो हम यहां से एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करते ही आपको यहां पर हाउस का लिविंग हॉल देखने को मिल जाएगा। इसका साइज आपका 13x15 फिट का रहेगा। आपको यहां पर जो एरिया मिलेंगे वो आपको यहां पर काफी स्पेशियस देखने को मिल जाएंगे, बाकी आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए आप हाउस का स्टेयर एरिया देख सकते हैं। स्टेयर के नीचे आपको छोटा सा यहाँ पर OTS का एक डिजाइन देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी हमने यहाँ पर प्लांटिंग की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको हाउस का कॉमन टॉयलेट दिखा देते हैं। इसका साइज 7x5x3 का रहेगा। इसकी जो वेंटिलेशन है वो हाउस के OTS एरिया की तरफ होगी। तो इसके बाद हम हाउस के फर्स्ट बेडरूम की बात कर लेते हैं। इसका साइज आपका 14x13 फिट का रहेगा। स्पेसियस आपको यहाँ पर जो हमारे हाउस का फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है और इसकी वेंटिलेशन हमारे हाउस के बैक साइड में OTS की तरफ होगी। आपको इस रूम के साथ अटैच ड्रेसिंग देखने को मिल जाएगा जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साइज इनके आपको नीचे मेंशन होते रहेंगे और इसी आपके ड्रेसिंग के साथ आपको अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम आपको हाउस का पूजा रूम दिखा देते हैं। इसका साइज 5x5 फिट का रहेगा, आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये है हमारे हाउस का डाइनिंग एरिया। इसका साइज 15x9x8 फिट का रहेगा। आपको अलग से यहाँ पर आपको हाउस का एक डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। और इससे आगे देखें तो आपको यहाँ पर हाउस का जो मॉड्यूलर किचन देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको किचन के साथ यहाँ पर आपको एक बेड एरिया भी देखने को मिल जाएगा जो आप देख सकते हैं। और अगर आप इससे आगे देखेंगे तो आपको हाउस का जो बैकयार्ड है जहाँ पर हमने OTS प्रोवाइड किया है आप देख सकते हैं। आप इसको कोर्टयार्ड भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आगे हम आपको स्टेयर से होते हुए हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ लेकर चलते हैं। तो आइए चलिए। तो दोस्तों आप यहां पर फर्स्ट फ्लोर पर देख सकते हैं, आपको यहां पर फैमिली लाउंज एरिया देखने को मिल जाएगा। इसका साइज आपका 13x15 फिट का रहेगा। तो
दोस्तों आपको यहाँ पर हाउस का सेकंड बेडरूम देखने को मिल जाता है। इसका साइज 11 फीट 3 इंच बाई 11 फीट का रहेगा। अच्छी आपको यहाँ पर इंटीरियर का जो डिजाइन देखने को मिल जाता है। अटैच आपको यहाँ पर टॉयलेट देखने को मिल जाएगा और इसका साइज आपका 7 बाई 5 फीट और 3 इंच का रहेगा। और आपको इसी के साथ अटैच आपको एक ड्रेसिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप इसको एज ए स्टोर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको हाउस के सेकंड बेडरूम के साथ अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाएगी और आप यहां पर बालकनी और जो यहां पर बरामदा हमने प्रोवाइड किया है आप इसका व्यू देख सकते हैं जो हमारी फ्रंट की बालकनी है। बाकी आप इस जगह को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमारे हाउस के हम थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो आइए हम आपको हाउस का थर्ड बेडरूम दिखाते हैं और इसका साइज आपका 14 बाई 13 फिट का रहेगा। आप देख सकते हैं आपको स्पेशियस यहाँ पर रूम देखने को मिल जाता है, अच्छी वार्डरोब और ओटीएस की तरफ आपको यहाँ पर वेंटिलेशन देखने को मिल जाएगी। और जो ये बेडरूम है इसके साथ भी आपको अटैच टॉयलेट और आपको अटैच ड्रेसिंग देखने को मिल जाएगा जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम आपको हाउस का जो कॉमन टॉयलेट है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे हाउस का कॉमन टॉयलेट है और हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये टॉयलेट हमारा किचन के ऊपर नहीं बना हुआ है। कई लोग सोच लेते हैं कि हमने इसको यहाँ पर किचन के ऊपर बना दिया है, तो ऐसा नहीं है। ये हाउस हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम आपको हाउस के फोर्थ बेडरूम की तरफ लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी वेंटिलेशन के साथ साइड में आपको विंडो देखने को मिल जाएगी। स्पेशियस रूम है और इस रूम का साइज आपका 15 फीट 9 इंच बाई 11 फीट का रहेगा। बाकी आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों इसके बाद हम आपको हाउस के टेरिस एरिया की तरफ लेकर चलते हैं। हमारे हाउस का जो सेकंड फ्लोर है हम आपको वो भी दिखा देते हैं। हमने वहां पर जो टेरिस गार्डन लगाया है वो आप ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों एंट्रेंस लेते ही आप देख सकते हैं सामने आपको यहाँ पर एक परगोला देखने को मिल जाता है, अच्छे डिज़ाइन के साथ आर्टिफिशियल ग्रास, और आपको यहाँ पर अच्छी प्लांटिंग देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों बाकी जो आपको यहाँ पर टेरेस ओपन मिल जाता है, बाकी आप इस एरिया को अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कीजिए। आप यहाँ पर जो मर्जी बनाना चाहें, आप चाहें तो आप यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं। हालांकि हमने नहीं दिया है बट वो आपकी इच्छा रहती है, वो क्लाइंट की डिमांड रहती है, तो हम उसी हिसाब से हाउस को हम यहाँ पर डिज़ाइन कर देते हैं। तो ओके दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगली बार हम आपको मिलते हैं एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।